अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फार्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को फार्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक फिफ्थ जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो, और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इसी वन में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मनाफ है। ठीक है सर, हर किसी आज का ये कहना है कि ये जो असेंबली है ये साल डेढ़ साल से ज्यादा नहीं चल सकेगी, क्या कहेंगे? नहीं देखो, साल चले डेढ़ साल चले जब चले आईन और कानून के मुताबिक चले, और हम तो चाहते यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अडॉप्ट किया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ये था कि बाद में जब सारा कुछ पीसफुली हुआ और फार्म बने और प्रिजाइडिंग अफसरान ने रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट को फार्म करके उससे प्रोविजनल रिजल्ट नहीं तैयार किया गया, तो ये एक नए किस्म का एक फिफ्थ जनरेशन रिगिंग हुई है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। देखो असल मकसद ये है कि ये पार्लियामान मजबूत हो, और यही मकसद होता है जमहूरियत का। इसके इस पार्लियामान के अंदर सिर्फ वो लोग जाएं जो जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह सकता है। ये उस सूरत मुमकिन है जब उसके पास मैंडेट हो। किसी का मैंडेट चोरी करके इसी वन में एंटर होना ये जमहूरियत के रूह के मनाफ है। ऐसा हर किसी कहना है कि ये जो असेंबली है ये साल डेढ़ साल से ज्यादा नहीं चल सकेगी, क्या कहेंगे? नहीं देखो, साल चले डेढ़ साल चले जब चले आईन और कानून के मुताबिक चले, और हम तो चाहते यही है कि अगर असल मैंडेट हमारे पास आ जाता है पार्लियामान को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए।